इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज़ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है और क्या रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाइपेंट्री ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट नॉन टेक्निकल एंड फायर पर्सनल। तो ये आपका रिक्रूटमेंट जो पोस्ट है उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है कि साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, नॉन टेक्निकल भी है। तो सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा कितना क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि नेम ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो आपका पोस्ट दिया हुआ है यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है कि साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो ये सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वेरियस ट्रेड्स में, यानी कि ये जो ट्रेड्स हैं ना, ये जो डिसिप्लिन है उसमें उन्होंने अगर कर रखा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैकेनिकल की 61 है, इलेक्ट्रिकल की 22 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 7 है और इलेक्ट्रॉनिक्स की 22 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में कितना है। तो यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी और यूआर, उसकी अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। और जहाँ तक एज की बात है, तो एज की बात मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 से 25 जो है कि साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए आपकी जो क्राइटेरिया है वो दी हुई है। और यहाँ पे कैटेगरी 2 है, तो उसमें आपका आपके पास बीएससी होना चाहिए। अगर आपने बीएससी कर रखा है, बीएससी में ग्रेजुएट है आप, तो बीएससी आपका इन सब्जेक्ट्स में कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी कर रखा है, फिजिक्स में कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जब आपने केमिस्ट्री में अगर किया है तो उसके लिए आपके पास 15 सीट है, अगर आपने फिजिक्स में किया है तो उसके लिए आपके पास 15 सीट है। और इन दोनों का जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका 18 से 25 है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इसमें अलग अलग आपके डिसिप्लिन में है कि कौन से आपके ट्रेड में होने चाहिए। तो यहाँ पे सेफ्टी सुपरवाइज़र दिया हुआ है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी उसके सीट के डिटेल्स दिए हुए हैं कि सिविल का एक है, फिर यहाँ पे सिविल का 14 आ जाता है, इसमें आपका एज का क्राइटेरिया बढ़ जाता है, यहाँ पे 18 से 35 साल है। ये तो थी साइंटिफिक असिस्टेंट सी की बात, अब मैं बी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 30 है, यानी कि आप अगर बी में आते हैं, यहाँ से आपको समझ में आएगा, यानी कि आप इसके नीचे अगर आप आते हैं तो उसमें आपका एज का जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा 18 से 30, और जब आप ऊपर जाएंगे तो 18 से 35 हो जाएगा सी वाले में, ठीक है। तो आपको गाइस कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए पाँचवीं चीज़ कि असिस्टेंट ग्रेड 1, इसमें आपका HR आ गया, बाकी सब डिटेल्स हैं, स्टेनो वगैरह। तो स्टेनो के लिए आपके पास 6 है, जो सीट है उसके लिए अब मैं बात करूँगा 6 है, और जो एज है, एज का क्राइटेरिया आपका 21 से 28 है। और उसके बाद आप आ जाते हैं सब ऑफिसर में, फायर में, लीडिंग फायरमैन, तो इस सब की वैकेंसी जो है वो फायर की एक है, यहाँ पे लीडिंग फायरमैन 3 है और इसकी 10। और इसमें आपका जो एज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज यहाँ पे इसमें बढ़ गया है, तो फायर वाले में एज आपका 18 से 40 है, लेकिन जो लीडिंग फायर है उसमें कम है, 18 से 35 है, और जो तीसरा जो फायर है उसमें आपका 18 से 27 है। तो गाइस टोटल वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल 206 है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना बहुत कंपलसरी है कि आपका जो स्टाइपेंडरी जो ट्रेनी है और जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो उसमें आपका 18 से 25 एज है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन बाकी जो दिया हुआ है, जो आपका ये साइंटिफिक असिस्टेंट सी आ गया, तो इसमें आपका इसमें इन्होंने
4 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी, उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का, और प्लस आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बीएससी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि इसमें जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी में जो सिविल की वैकेंसी है, इसमें आपका 4 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आते हैं वो ये तीनों हैं, इन तीनों में एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो फायर वाला, और जो लीडिंग फायर है इसमें आपको कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है, और जो तीसरा फायर है इसमें आपका 7 साल चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया। बाकी जो ऊपर की वैकेंसीज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें 18 से 25 इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक असिस्टेंट की बात है यहाँ से आपको एक्सपीरियंस चाहिए, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका 3 नवंबर से स्टार्ट है, यानी कि एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया है, आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। फिर आपका जो लास्ट डेट है वो 24/11 तक है, और आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो आपको नोटिफाई किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका कोई फीस नहीं है इसमें, बिना फीस का है, कोई फीस नहीं है इसमें, 0 फीस है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो गाइस इसको आपको ज़रूर से भरना चाहिए, अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी जो क्राइटेरिया है उसको आप मीट करते हो तो उसको आपको ज़रूर से भरना चाहिए। और आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में सर्वर का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, यहाँ पे आपको आना है जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन है उसकी वेबसाइट पे आना है, देन आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे देन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपका लॉगिन होगा नहीं, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ देखिए, तो इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना पोस्ट, यहाँ पे आपको पोस्ट अपना सिलेक्ट करना है, देन आपका डिसिप्लिन कौन से आप ट्रेड से हो, आपकी कैटेगरी SC ST OBC जो भी, और यहाँ से आपको स्टेप वाइज करना मैं आपको बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक ID और पासवर्ड मिलेगा जिसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं होता गाइस, सिर्फ आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको उसमें दी जाती हैं कि आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, बाकी बाद में आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जो भी आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, आपका जो फ़ोटो है और आपका जो सिग्नेचर है वो आप स्कैन करके इसमें अपलोड करोगे, देन आपका फाइनली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।